1 जुलाई 2017 को जब GST लागू किया गया था कि देश को बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई है, उस आज़ादी का ये परिणाम ही बोल रहे हैं, कितना बढ़िया, 4 साल के लिए रोजगार मिल गया, 4 साल की जिंदगी, उसके बाद तो जिंदगी है ही नहीं, उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो इमरान राज्य आ जाएगा। कुछ कुछ शब्द हैं जो असंवैधानिक करार कर दिए गए हैं क्योंकि वो इनकी हकीकत खोलते हैं। पैर की दृष्टि से देखेंगे, दुश्मन की तरह से देखेंगे, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, कॉर्पोरेट हाउसेज को जिस दिन से लाभ पहुँचाने के लिए जो कुछ करना है उनको खुश करने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। ये GST वगैरह जो लगाया है, पेट्रोल डीजल गैस पे लग गया है, अब खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी, उस पर भी GST 5% लग गया है, तो क्या कुछ नीतियां हैं, क्या गलत है इसमें, ये बताइए। गलत यही है कि जो गरीब जनता जिसके पास खाने पीने की खरीद शक्ति नहीं है, जो मुश्किल से किसी तरह से चटनी या छाछ के साथ रोटी खा के गुजारा कर लेता था, अब उसको इन पे भी टैक्स देना पड़ेगा तो कहाँ से पेट भरेगा, कैसे पेट भरेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कमाई इतनी कम है कि ना आप तो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ना अपने बच्चों को ठीक से खाना खिला सकते हैं, उनका क्या होगा। हमें सबसे निचले स्तर को देखना चाहिए, हमें ऊपर के स्तर को नहीं देखना चाहिए। ऊपर के स्तर को देखेंगे तो फिर तो आधे से ज़्यादा जनता, 80-90% जनता भूख मर जाएगी। तो हमें तो सबसे निचले स्तर को, क्या उसकी कैपेसिटी है इन सब चीज़ों को खरीदने की, जो अभी भी मान लो GST लगाने से पहले वो नहीं खरीद पा रहा था, GST और लग जाएगी तब कैसे खरीदेगा, उसका तो भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दवाइयों पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, अनाज पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, माचिस पर टैक्स, कोई भी छोटी छोटी चीज़ लो उस पर सब पर टैक्स है। एक आदमी हर चीज़ पर टैक्स दे करके किसी तरह से जिंदा है, उसको भी जिंदा रहने का ये अधिकार छीन लेना चाहते हैं, तो इसमें गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। क्या ठीक है इसमें बताइए। टैक्स का तो नियम है कि बड़े संपत्ति वालों पर, बड़े पैसों वालों पर, बड़ी कमाई करने वालों पर टैक्स। प्रधानमंत्री जी ने ये टैक्स इसलिए बढ़ाया, ऐसा बोला जा रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात ना बने भारत के। श्रीलंका के हालात जो बने हैं और वो भारत में ना बने, उसका कारण तो आम जनता पर टैक्स थोपने से नहीं होगा, और बढ़ जाएगा। श्रीलंका जैसी हालत पहुंच जाएगी अगर आम जनता पर ये टैक्स थोपेगी। जब तक आप बड़े बड़े पूंजीपति घरानों से टैक्स ज़्यादा नहीं वसूलोगे, टैक्स वसूलना ही नहीं बल्कि उन वो जो पैसा लेकर भाग जा रहे हैं उनको रोको, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलो और इस भरपाई पूरा करो, अर्थव्यवस्था का नियम है। लगा तो दिया, 2000 रुपये जुर्माना लगा दिया, 4 महीने की जेल की सजा बता दी। 2000 जुर्माना लगाने से हो जाए काम? ये ऐसा एक सजा होनी चाहिए जो उदाहरणमूलक हो, आगे से कोई भाग ही ना सके। ये तो हम देख रहे हैं वो खुद नहीं भागे, इनकी मिली भगत से ही भागे। सुप्रीम कोर्ट की बात पे आप उंगली उठा दे रहे हैं, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ही तो लगाया ये जुर्माना, बताया। मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया, हम कह रहे हैं कोई भी लगाओ, सुप्रीम कोर्ट लगाओ चाहे ये सिस्टम लगाएगा, जो भी जुर्माना लगाएगा वो ऐसा लगना चाहिए जो उदाहरणमूलक हो, जिससे दूसरों को एक सबक मिले कि अगर ऐसा मैं अपराध करूंगा तो मुझे कितनी बड़ी सजा हो सकती है। अब सजा मामूली हो तो कौन रोकेगा अपराध करने से? कोई अपराध करता है तो पुलिस पकड़ती है, पुलिस के बाद जो है उसको जुडिशरी देखती है, न्यायालयों में जाते हैं, तो न्यायालय ने लगाया है जुर्माना। हाँ तो मैं कम मने करूँ न्यायालय नहीं लगाया, लेकिन न्यायालय भी इस सिस्टम से इतना प्रभावित है, इतना दबा हुआ है कि सारे न्याय जितने दे रहा है, जो हम अभी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जो न्यायालय जितने न्याय कर रहा है, जितने फैसले दे रहा है, वो सब के सब कॉर्पोरेट हाउसेज के फेवर में दे रहा है, आम जनता के फेवर में नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा दे रहे हैं, उंगली थोड़े उठा रहे हैं हम। हम तो कह रहे हैं ये वास्तविकता है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है, खुद सीवी रमन बोले हैं कि अभी सरकार इस ढंग से पेश आ रही है कि विपक्ष को बैर की दृष्टि से देख रही है, उसको दुश्मन की तरह से देख रही है, विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्ट में कहीं कहीं बोल भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम कमोबेश मैं कह रहा हूँ तमाम
ऐसे फैसले आ रहे हैं जो आम जनता के फेवर के नहीं है। न्यायालय क्या कठपुतली बन गई है सरकार की? देखिए, हम जो समझते हैं चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हो, प्रेस हो, जो भी हो, वो सब वर्ग आधारित हो। सब ने सही फैसला तो सुना रहे, कोई एक फैसला बताइए जिसमें उन्होंने सही न्याय ना किया हो। जिसमें कोई एक फैसला बताइए जिसमें सही न्याय ना किया हो सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ सही न्याय नहीं हुआ। अब बताइए, मैं एक बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर पर आया था। अच्छा। एक तरफ वो कहा कि मंदिर मस्जिद तोड़ना अपराध है, और एक तरफ मस्जिद तोड़ने वाले अपराधियों को पारितोष भी दी, पुरस्कार भी दिया। भावनाओं के आधार पर देखिए, वहाँ पे तो भावनाओं के आधार पर नहीं होता। बोले वहाँ जज ना, देखिए बात बताइए, फैसला देश में भावनाएं आहत हो जा रही है, आप समझिए। एक बात बताइए, भावना के आधार पर फैसले होंगे क्या? और जगह तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो, हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, वो गलत कह रहा है, गलत है। हाँ, भावना के आधार पर फैसले नहीं होते कभी, कैसे होंगे भावना के आधार पर फैसले? तो हो रहे हैं। हाँ तो हो रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। पहले नहीं होते थे? होते पहले भी थे, लेकिन पहले पर्दे के पीछे होते थे। अभी खुल्लम खुल्ला, अभी खुल्लम खुल्ला हो रहा, अभी कोई पर्दा नहीं रह गया। अभी जो उन्हें कॉर्पोरेट हाउसेज को जिस ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए जो कुछ करना है, उनको खुश करने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो फैसला आया राम मंदिर के बारे में, ये भी आया इस रूप में ही कि शायद दंगा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान लड़ पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ मुसलमानों का बड़ा तारीफ करता हूँ कि उपशांत मन से फैसले को स्वीकार किया, दंगा नहीं होने दिया। अभी और भी बहुत सारे इस ढंग के फैसले आ रहे हैं। आप एक एक फैसले जो, आप तो मीडिया में हो, आप तो जानते हो कि क्या क्या फैसले गलत ढंग से आते हैं। चलिए अभी और भी लोगों से हम जानेंगे, जिस तरीके से अब जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार खाने पीने की चीज़ों पर, जो है 5% GST लग गया है, और वहीं हीरे जैसी चीज़ों पर 1.5% GST लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लोग उतरे हुए हैं जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से खाद्य पदार्थ, दैनिक जागरूकता की वस्तुओं, शिक्षण सामग्रियों व अन्य चीज़ों पर लगाए गए GST के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर लगातार बैनर पोस्टर आपके सामने है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आधे करो, इस तरीके की मांगों के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। तो अभी जिस तरीके से अभी हमने उनसे बात की GST को लेकर, लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा, तो भाई हमारे साथ एक और मैम है, उनसे भी जान लेते। मैम, क्यों लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है GST को लेकर? मैम नाम क्या पहले तो? मेरा नाम ऋतु कौशिक है, और हम SUCI कम्युनिस्ट दिल्ली की तरफ से आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो महंगाई, बेरोजगारी, एक मतलब हर तरीके के जो आयाम है ना, वो क्रॉस कर चुकी है, और लोगों का जो जीना जो है वो मुहाल हो गया है। इतना बुरा हाल हो गया है कि हर घंटे, हर मिनट लोग जो हैं वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। करोड़ों लोग आज रोज भूखा सोने पर मजबूर हैं, और ऐसी हालत में खाने पीने की चीज़ों के ऊपर GST लगा दिया गया है। ये क्राइम है, ये मोदी जी इस क्राइम बता रही हैं मैम, बिल्कुल ये क्राइम है। जब लोगों को डायरेक्टली नहीं मारा जाता, लेकिन इनडायरेक्टली उनको मारा जाता है, वो भी एक क्राइम ही होता है। तो आज जो क्राइम आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ जो देश के खुददार हैं, छात्र नौजवान, वो सड़कों पर आए हैं कि आज आप रोटी जो पहले कहते थे लोग कि दाल रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी चटनी खा रहे हैं, आज वो रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। आटे के ऊपर भी आपने आटे को भी इतना महंगा कर दिया है, उस पर GST लगा दिया है। एक तरफ आपने कहा था कि 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू किया गया था कि देश को बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई है, उस आज़ादी का ये परिणाम हम भुगत रहे हैं कि लोग जो हैं वो कहीं के नहीं रहे आज। तो आज सबसे दुख की बात यह है कि जो पूंजीपति घराने हैं, उनके हित के लिए आज नीतियां बनाई जा रही हैं। पहले ऐसा होता था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जब भी महंगाई 6% से ज़्यादा होती थी तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करता था, लेकिन आज महंगाई की दर 7.1% हो चुकी है। कहाँ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसलिए चुप है क्योंकि उनके ऊपर पूंजीपतियों का कंट्रोल है। पूंजीपतियों देश के भी और विदेशों के भी, दोनों के हित में ये GST जनता पर लगाया जा रहा है। जबकि बड़े बड़े जो हीरे व्यापारी हैं,
उनके ऊपर क्या जीएसटी है ये आप देख रहे हो, पेट्रोल डीजल के ऊपर क्यों नहीं लगाया? हीरा तो सस्ता हो गया, खरीद पाएगा अब इंसान? हीरे को खाएंगे क्या? खाएंगे बताइए, खाएंगे क्या हीरे को? नहीं ना, हीरे से पेट नहीं भरेगा ना, आपका भी है मेरा भी है ना, तो खाने के लिए तो रोटी चाहिए, और उसको ही जब लोगों की पहुंच से दूर किया जा रहा है तो फिर कैसे जिएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है, जीने का अधिकार। तो ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, खाने पीने की चीज़ों पे 5% जीएसटी लग जा रहा है, आटे जैसी चीज़ पर जिससे इंसान जीवित रहता है, तो उसके बाद जो है हीरा सस्ता कर दिया जाता है, ऐसे निर्णय ले क्यों रहे हैं ऐसी सरकार? ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कैपिटलिस्ट घरानों की सरकारें हैं, इसीलिए ये सारी नीतियां कर रही हैं। और सबसे दुख की बात आप ये देखो कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं हर चीज़ से, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान ना चला जाए, इसीलिए लोगों का ध्यान बोलते हैं, अरे आटे का लोग पूछते हैं, आटे के रेट इतने बढ़ गए हैं, हम खाना कैसे खाएंगे? तो बोला जाता है देखो वहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाया, मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई थी, वो देखो मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो अटैक हो रहे हैं ना लोगों के ऊपर, उनका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लड़वाया जा रहा है सांप्रदायिकता के नाम पर, इतिहास में परिवर्तन किया जा रहा है कि लोग जाने कि हम हिंदू और मुसलमान तो सदियों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, बल्कि ये गलत है, इतिहास हमारा देश का इतिहास ये हमें नहीं बताता, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा एक समृद्ध इतिहास है जिसको ये छुपा रहे हैं, देश की जनता को बरगला रहे हैं, देश की जनता को भ्रष्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज लड़ने की ज़रूरत है, एक ज़बरदस्त जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, तभी ये झुक पाए। ये जो भाजपा सरकार है ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का राजनीति, सिर्फ यही इन्हीं की राजनीति है, ये उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करते आए हैं और यही इनका एजेंडा है, क्योंकि इनको वोट हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तो लोग जो है सड़कों पर उतरे पड़े हैं, उनको भी यही चाहिए, तो इसलिए वो ही कर रहे हैं। यही दुख की बात है कि आज शिक्षा से महरूम किया जा रहा है लोगों को ये नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र बनाने से भी क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या रोटी मिल जाएगी, ये क्यों, इसका रीज़न क्या है, इस रोजगार ना मिलने का रीज़न है सरकार की पॉलिसीज़, सवाल पॉलिसीज़ को नहीं देखा जा रहा है। आप बताइए कि रोजगार को क्रिएट करने की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई, कहते हैं हम रोजगार देंगे, रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ को देना था ना, कब देना था, कितने साल हो गए, और आज तो कितने बेरोजगार हो गए, तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो दे पाएंगे सरकार? अग्नि पथ जैसी एक स्कीम ला दी है युवाओं के लिए, कितना बढ़िया, 4 साल के लिए रोजगार मिल गया, 4 साल की जिंदगी, उसके बाद तो जिंदगी है ही नहीं, उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो राम राज्य आ जाएगा, ये सब राम राज्य की तैयारी हो रही है, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई राम राज्य नहीं होता, राम राज्य अगर कुछ है तो वो तब है जब सबका खाने के लिए हो, सबके पास शिक्षा हो, सबके पास रोजगार हो, सब महिलाएं सुरक्षित हों। आज महिलाओं की हालत देख रहे हो, सड़क पर दिल्ली के अंदर, एक देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है खुले में अस्पताल के सामने, मध्य प्रदेश के अंदर एक बच्चा अपने 2 साल के भाई का शव लेकर बैठा रहता है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं है, कितनी आप देख रहे हो हालत किस तरीके से है। तो ये जो तमाम चीजें जो चल रही है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करने की। अच्छा, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो अपने ट्वीट में कहती है कि भाई ये जीएसटी जो है पैकेट बंद चीजों पे लगाया है, टेट्रा पैक जो है उस पे लगाया है, खुले में जो आटा मिल रहा है, दही मिल रहा है, चूड़ा मिलता है, और जैसे कि आपके सूजी वगैरह उस पे कोई टैक्स नहीं है, तो जीने का साधन तो मिल तो रहा है। अरे ये सारी बातें जो है ना, उनको बोलो कि बहन लोगों के घरों में जाकर देखो जरा, इतनी पढ़ी लिखी महिला होकर और इस तरीके के जो बयान दे रही हैं, आज उनको जनता से कोई उनका सरोकार नहीं है, वो सिर्फ नेता बनने के लिए, एक तरीके से बयान देने के लिए ही वो लोग बने हैं, उनका जनता की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान आ रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। मतलब ये जो लिख रही है ट्वीट पे, तो ये सच नहीं है? बिल्कुल ये सब झूठ है, ये सारी चीज़ें, बात यहाँ पर ये है कि खुले या बंद की ज़रूरत नहीं है, खुला कहाँ मिल रहा है ज़रा बताना, खुले कहाँ मिल रहे हैं, तुमने खुदरा जो व्यापारी थे बेचारे छोटे छोटे दुकानदार, उनका क्या जीना हाल कर दिया है, वो कहाँ से जीएसटी भरेंगे? आज सारे ही तो रिलायंस, सब्जी तक रिलायंस बेच रहा है, बड़ी बड़ी जो जितनी भी कैपिटलिस्ट घराने हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बेच रही हैं, चाहे आप उनसे हरी मिर्च ले लो, चाहे प्याज ले लो, टमाटर ले लो उन लोगों से,
और इनकी बात कर रहे हो आप, छोटे छोटे खुले में मिल रहा है, ये लिपापोती है, सिर्फ लिपापोती हो ये, सिर्फ लिपापोती हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, सबका ध्यान जो है जीएसटी, सब इस रसोई गैस के लिए चिल्ला रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है, अनाज दाल चावल इस पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी का जो है वहाँ पे अगर पूरा ब्यौरा पड़ा जाए तो होटलों के ऊपर भी जीएसटी लगाया, होटल के कमरों को लेकर भी, और यहाँ तक कि आपके अस्पताल के कमरे को अगर आप बुक करते हैं, लेते हैं, तो उस पे भी जीएसटी लगाई, ये लोगों को अभी पता नहीं है। असल में सबको यही सबको पता है ये चीज़ कि ये आज हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, ये आज हम सरकारी हॉस्पिटल देख रहे हैं ना, अगर ये जनता सड़कों पे ना हो ना तो ये सरकारी हॉस्पिटल भी आज ये प्राइवेट करने पर तुले हुए हैं तमाम तरीके के। तो ये सारे देखो, मैं वही बार बार में बता रही हूँ कि आम जनता का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं ये पूंजीपति घरानों के लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, इसके खिलाफ आज एक युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। एक तरफ पूंजीपति कहते हैं है, सबका साथ सबका विकास, ये तो खैर आपको पता है कुछ कुछ शब्द हैं जो असंवैधानिक करार कर दिए गए हैं क्योंकि वो इनकी हकीकत खोलते हैं, ठीक है। तो अब और क्या बोला जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार जो है जीएसटी के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार विपक्ष सड़कों पर है, संसद से रोड़ों पर उतर आई है, उसके बाद जो है आम जनता और युवा यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से ये मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं संसद में, और लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं मंत्रियों और नेताओं के मुद्दे उठते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं मगर एक दूसरे की राजनीति कर रहे हैं, कोई ये आगे ना बढ़ जाए, किसी इसी विपक्ष को गिराना है, इस तरीके की राजनीतियां हो रही हैं। लेकिन ये आम जनता के जो मुद्दे हैं, लगातार जीएसटी बढ़ रही है, लगातार महंगाई हो रही है, उस पर कौन बात करेगा। आप सामने देख सकते हैं ये युवा जो सड़कों पर उतरे हुए खड़े हुए हैं, वो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।